ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूली लॉन्च ऑनर 7A के बारे में सभी डिटेल्स को देने वाला हूं एंड इसके कंपटीटर फोन रेडमी 5 एंड ऑनर 7C को क्या ये स्मार्टफोन बीट कर पाएगा या नहीं, इस स्मार्टफोन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सो इन सभी डिटेल्स को मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग Honor 7A के डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। इसमें आपको 5.7 इंच HD प्लस स्क्रीन मिलता है विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। इसमें आपको रिजोल्यूशन 1440x720p का मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग Honor 7A में प्रोसेसर की। Honor 7A में आपको Qualcomm Snapdragon 430 मिलता है विद Adreno 505। ये एक पुराना प्रोसेसर है लेकिन अच्छा प्रोसेसर है फॉर डेली लाइफ नॉर्मल यूज। अब बात करते हैं हम लोग Honor 7A में एंड्रॉइड की। इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 8.0 ओरियो का अपडेट मिलता है कस्टमाइज्ड विद EMUI 8.0। अब बात करते हैं हम लोग Honor 7A में रियर कैमरा की। सो दोस्तों, Honor 7A दो अलग अलग वेरिएंट्स में आएगा। 2GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज। 2GB रैम वाले वेरिएंट में आपको 13 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश एंड 3GB वाले रैम वेरिएंट में आपको डुअल 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश। अब बात करते हैं हम लोग दोनों ही स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा की। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है विद सॉफ्ट सेल्फी फ्लैश। अब बात करते हैं हम लोग दोनों ही वेरिएंट्स में बैटरी कैपेसिटी की। सो दोस्तों, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 3000mAh बैटरी कैपेसिटी मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। सो दोस्तों, चाइना में 2GB प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस रखा गया है 799 युआन, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 8300 रुपीज होता है एंड 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस रखा गया है 999 युआन, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 10300 रुपीज होता है। सो फ्रेंड्स, ये था फुली डिटेल स्पेसिफिकेशंस ऑफ Honor 7A। अब बात करते हैं कि क्या ये स्मार्टफोन Honor 7C एंड Redmi 5 को कम्पीट कर पाएगा या नहीं। सो दोस्तों, Honor 7C एंड Honor 7A में बस एक फीचर का डिफरेंस है। Honor 7C में आपको Qualcomm Snapdragon 450 मिलता है, वेयर एज Honor 7A में आपको 430 मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। Redmi 5 एंड Honor 7A में आपको 3-4 फीचर्स का डिफरेंस मिल जाएगा। Redmi 5 में आपको प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाएगा, डैटी स्नैपड्रैगन 450, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है अंडर 10,000 रुपीज। Redmi 5 में आपको सिंगल 12 मेगापिक्सल मिलता है, वाइल फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है, वेयर एज Honor 7A में आपको डुअल 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। Redmi 5 में आपको बैटरी कैपेसिटी 3300mAh का मिलता है, वेयर एज Honor 7A में आपको 3000mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है। सो फ्रेंड्स, Honor 7A को सिर्फ डुअल कैमरा एंड फेस अनलॉक लेकर उतारा गया है चाइना में। सो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि Huawei एक अपना लॉन्च इवेंट करने वाला है मई में। सो आपको इसमें Honor 7A या Honor 7C या दोनों ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको Honor 7A के बारे में फुल्ली डिटेल्स मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।